जय मसीह की। आज हम बाइबल की पुस्तक से यहुन्ना अध्याय 2 का 3 से 10 तक काना की विवाह के बारे में देखेंगे, जो किया गया पहला आश्चर्य कर्म था। इस वचन में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह काना के विवाह में गए तो उनके साथ उनकी माता व उनके चेले भी गए। तब काना के विवाह में दाखरस घट गया। उस समय विवाह के भोज में दाखरस मतलब अंगूर का रस शरबत की तरह दिया जाता था। वह दाखरस विवाह में कम पड़ गया। तब यीशु की माता ने यीशु से कहा, दाखरस घट गया है, तू कुछ कर कि विवाह में दाखरस की कमी ना रहे। तब यीशु ने अपनी माता मरियम से कहा, हे स्त्री, अभी मेरा समय नहीं आया है। यीशु जानता था कि वह किस समय व किस उद्देश्य के लिए पृथ्वी पर आया है। इसके बाद हम देखते हैं कि यीशु ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, मटकों को पानी से भर दो, वरन इन्हें मुँहा मुँह भर दो, अर्थात खाली मटकों में उसने पानी भरने को कहा। तब उनकी माता मरियम ने उनके चेलों से कहा कि जैसा वह कहता है वैसा ही करो। फिर हम यह देखते हैं कि यीशु ने कहा, इसे भोजों के प्रधान के पास ले जाओ, जिससे इसकी परीक्षा सही रीति से हो सके। फिर भोज के प्रधान ने दूल्हे से कहा कि मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, फिर मध्यम देता है। तूने अब तक अच्छा दाखरस कहाँ रख छोड़ा था? या हम इन सभी वचनों के द्वारा सीखते हैं कि जब हम संसार के कुछ व्यक्तियों के द्वारा हमारी योग्यता को परखा जाता है या हमारी परीक्षा की जाती है, तो यीशु हमें बेस्ट एबिलिटी के साथ प्रेजेंट करता है। मतलब यह है कि हम अपनी योग्यता से बढ़कर कार्य को कर पाते हैं जब प्रभु का अनुग्रह हम पर आता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम अपने आप को खाली करके प्रभु को सौंप देते हैं, तो वह हमें अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से मुँहा मुँह भर देता है। फिर हम उसकी बुलाहट में आशीषित हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आज आपके पास यह अवसर है कि आप परमेश्वर की अधीनता में होकर चलें। जैसा पवित्र आत्मा आपसे करने को कहता है वैसा ही करें, और खुद को परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दें और शून्य करके उसके समीप जाएं और अपने आप को प्रभु को सौंप दें। तब वह आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।